टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे 5 एक्सपेंसिव इंडियन विस्कीज के बारे में। आपका बजट क्या है? आपका बजट बड़ी मुश्किल से 5,000-6,000 तक जाता है तो ये वीडियो बिल्कुल देख लीजिए, भले ही आप एफोर्ड कर पाए या ना पाए, देखना जरूरी है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए टाइम ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो 5 विस्कीज कौन सा है जो सुपर एक्सपेंसिव इंडियन विस्की कहलाता है। 5 नंबर पर है पॉल जॉन मार्स ऑर्बिटर पीटेड। ये एक लिमिटेड एडिशन सिंगल मॉल्ट विस्की है जिसका अल्कोहलिक परसेंटेज काफी हाई है, 57.8%, और इसका प्राइस, कान आपका खड़ा हो जाएगा, इसका प्राइस है 35,700 रुपीज ओनली। सिर्फ 330 बॉटल्स को ही बनाया गया था। मार्स ऑर्बिटर पीटेड को लॉन्च किया गया था टू सेलिब्रेट द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। आप कह सकते हो इन ऑनर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार्स ऑर्बिटर मिशन। विस्की का जो कलर है वो है एज रेड कॉपर और नोज में आपको मिल सकता है बिट ऑफ एल्कोहल हीट, बिकॉज 57.8% जो एल्कोहल है। उसके बाद हल्का पीट नोट के साथ आपको मिल सकता है फ्रूटी स्वीटनेस, मैपल सिरप, बर्न्ट वुड एंड वेनिला नोट्स, एंड यू माइट गेट फ्लोरल हिंट ऑल्सो। पैलेट में आपको मिल सकता है फ्रूटी स्वीटनेस के साथ पेपरी हिंट, साथ साथ नटमेग एंड स्पाइसेस का भी एहसास दिलाता है। बैलेंस उडी नोट के साथ आपको डार्क चॉकलेट एंड ऑरेंज भी मिल सकता है, एंड ऑफ कोर्स पीट नोट तो आपको मिलेगा बट वो उडी टाइप पीट होगा, और फिनिश जो है वो उडी स्वीटनेस के साथ आपको पीट एंड पेपर स्पाइसेस का फील दे सकता है। नाउ नंबर 4, और यहां पर है अमृत डिस्टिलरीज का अमृत स्पेक्ट्रम 004 सिंगल मॉल्ट। ऑफ कोर्स ये भी एक लिमिटेड एडिशन सिंगल मॉल्ट विस्की है एंड प्राइस है ओनली 51,400। इसको सिर्फ 1800 बॉटल बनाया गया था। इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है यह 50% अल्कोहल। जस्ट इमेजिन कीजिए उसका हीट कैसा हो सकता है। इस विस्की का क्राफ्टिंग का क्या बात कहे, एक ऐसा सिंगल मॉल्ट विस्की जिसको एज किया गया है एक कास्क में, जिसको बनाया गया है 4 डिफरेंट ओक से। समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये एक कस्टम बिल्ड बैरल है, वर्ल्ड का पहला एक अनपैरेलल्ड इनोवेशन। मतलब ओक बैरल जब बनता है तो यूजुअली एक ही काइंड ऑफ ओक स्टीप से बनाया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक बैरल है, यहां पर देखिए सब एक एक स्टीब्स है, ये देखिए सब एक एक स्टीब्स है, और इसी को बाइंड करके एक बैरल को बनाते हैं, और अक्सर देखा गया कि एक ही टाइप का होता है। बट अमृत डिस्टिलरी ने डिसाइड किया कि ये जो स्टीब्स है इसको 4 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टीब से बनाया जाएगा, और बैरल बनाने के बाद उसमें विस्की डाल के देखा जाए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, विस्की का क्वालिटी कैसा होता है। सो उसके रिगार्डिंग डिस्टिलरी ने कस्टम बिल्ड बैरल बनाया बाय यूजिंग न्यू अमेरिकन हेविली चार्ड ओक स्टिप्स, फ्रेंच ओक विथ लाइट टोस्टिंग स्टिप्स, ओलोरोसो स्टिप्स एंड एक्स पेड्रो ह्यूमिनस सेरी स्टिप्स को वन आफ्टर वन लगा के एक बैरल को बनाया एंड विस्की को मैच्योर किया। नाउ देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मैच्योरेशन टेक्निक। फर्स्ट, न्यू मिक्स स्पिरिट को एक्स बर्बन ओक बैरल में मैच्योर करते हैं, देन ट्रांसफर इनटू कस्टम मेड बैरल एंड एज फॉर फ्यू इयर्स। उसके बाद विस्की अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ कैरेक्टरिस्ट हो जाता है, जो आपको नोज और पैलेट में एक अद्भुत विस्की ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। नोज में आपको मिल सकता है रेजिन, फिग्स, ऑरेंज, कैरामेल, ड्राइड फ्रूट्स, इवन कोका। टेस्ट में आपको मिल सकता है शेरी, बटरस्कॉच, चॉकलेट, वॉलनट एंड आलमंड का नोज, और फिनिश में कैरामलाइज्ड आलमंड, एप्रिकोट्स एंड नट्स आपको मिल सकता है। नाउ नंबर 3, और नंबर 3 पर है अगेन एक अमृत का ही प्रोडक्ट, अमृत डिस्टिलरी का अमृत 10 ईयर्स ओल्ड ग्रीडी एंजल पीटेड रम कास्क विस्की, जिसके प्राइस सुनकर आपका होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इसका प्राइस है 68,000 इन इंडियन रुपीज। जी हाँ, और तो और इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है 57.1%, और भी स्ट्रॉन्ग विस्की, और इसको सिर्फ 330 बॉटल्स बनाया गया था।
अ रिच स्मोकी इंडियन सिंगल मॉल्ट व्हिस्की, वो भी 10 इयर्स ओल्ड एज स्टेटमेंट के साथ। एक बार इमेजिन कीजिए कि इंडिया में एक साल एज व्हिस्की इक्विवेलेंट टू स्कॉटिश का 4 इयर्स व्हिस्की, इसका मतलब 40 इयर्स ओल्ड व्हिस्की जो वैल्यू अमृत ने आपको दिया है। ग्रीडी एंजल एक सीरीज है और ये बॉटल 2019 में रिलीज किया गया है। 10 इयर्स अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल में मैच्योर करने के बाद एक्स रम कास्क में इस व्हिस्की को फिनिश किया जाता है। देयरफॉर यू माइट गेट वुडी एरोमास मिंगल विद स्मोकी पिट, स्वीट स्पाइस एंड मर्मलेड। नोज में आपको मिल सकता है मोस्ट डेलिकेट ऑफ ब्लड ऑरेंज, स्पाइसी, स्मोकी, रिच विथ वेनिला एंड अदर फ्रूट्स एंड हनी स्वीटनेस। एंड द पैलेट ऑफर्स नोट्स ऑफ बटरस्कॉच, कैंडिड सिट्रस फ्रूट्स एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, फॉलोड बाय सॉफ्ट स्मोक एंड राम सोक्ड रेजिन्स। फिनिश इज रिच स्मोकी उडी एंड सुपर स्मूथ फिनिश। नाउ नंबर टू, और नंबर टू पर भी है अमृत का ग्रीडी एंजल सीरीज का ही और एक प्रोडक्ट जिसको फिनिश किया गया है शेरी कास्क में। ऑफ कोर्स ये एक 10 इयर्स ओल्ड सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है, सो इट्स कॉल्ड अमृत 10 इयर्स ओल्ड ग्रीडी एंजल पीटेड विथ शेरी कास्क फिनिश। रुकिए, इसका प्राइस भी सुन लीजिए। इसका प्राइस है 76,200 रुपीज ओनली और इसका अल्कोहल परसेंटेज है 60%। जी हाँ, जहाँ पर विस्कीज आपको मिलते हैं 42.8% अल्कोहल वॉल्यूम के साथ, ये आपको देखा 60% अल्कोहल, वेरी स्ट्रॉन्ग विस्की। बट आपको एहसास भी नहीं होगा जब आप सीप कीजिएगा। और सिर्फ 324 बॉटल्स को बनाया गया था, तो अभी अगर आपको लेंस लेकर ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। ग्रीडी एंजल सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट सिंगल मॉल्ट और इस विस्की का जो मोस्ट ऑफ द फ्लेवरिंग नोट्स है वो ड्राई हुआ है फ्रॉम कास्क और बैरल। इस विस्की को पहले 7 इयर्स पेड्रो ह्यूमिनस शेरी बर्ड्स में मैच्योर किया जाता है और बाकी 3 इयर्स अमेरिकन एक्स बर्बन एंड वर्जिन ओक कास्क में फिनिश किया जाता है। और इस बेहतरीन विस्की को एक्सेप्शनली स्टाइलिश एक कांच का डिकेंटर में सर्व किया जाता है, एक कांच का बॉटल में सर्व किया जाता है। नोज में ब्लास्ट ऑफ सेरी, बेकिंग स्पाइसेस, कैंडिड ऑरेंज, नटमेग, सिनेमन एंड पेपर स्पाइसेस आपको मिल सकता है। पैलेट में ये काफी वुडी है, जिंजर, वेनिला, हनी, फिग्स, ओक और सिंपल वुडी नोट्स आपको मिल सकता है। फिनिश इज ड्राई, पिटी, सॉल्टेड आलमंड के साथ बहुत सिरपी लगता है आपको। नाउ नंबर वन एंड फाइनल, इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव विस्की और यहां पर है रामपुर सिग्नेचर रिजर्व विस्की। जी हाँ, इस विस्की का कॉस्ट है ओनली 1,13,000। रामपुर डिस्टिलरी का वन ऑफ द सुपर लग्जरी लिमिटेड एडिशन विस्की और इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है वह है 43.9% अल्कोहल। इस लिमिटेड एडिशन विस्की को लॉन्च किया गया था टू सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ डिस्टिलिंग एट रामपुर। ईच बॉटल इज इंडिविजुअली नंबर्ड एंड कैरीज द सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर ललित खैतान, चेयरमैन एंड रामपुर मास्टर मेकर। फिलहाल ये यूके, यूरोप, यूएसए एंड एशिया पैसिफिक का कुछ सिलेक्टेड मार्केट में मिल जा सकता है। दुबई एंड इंडियन ड्यूटी फ्री शॉप में शायद ही आपको मिल जाए। दिस लिमिटेड एडिशन विस्की को मैच्योर किया गया है अमेरिकन प्रीमियम क्वालिटी व्हाइट ओक बैरल में फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद स्पेशली हैंडपिक 4 रिजर्व कास्क को मास्टर मेकर को दिया गया है, उसको फर्दर पेड्रो ह्यूमिनस शेरी बर्ड में दोबारा मैच्योर करने के लिए, जिसको कहा जाता है फिनिश। नोज में आपको मिल सकता है वंडरफुल इंटेंस रिच पेड्रो ह्यूमिनस शेरी नोट्स, क्रीमी वेनिला नोट्स और स्वीट टॉफी नोट्स भी। स्पाइसी नोट के साथ साथ आपको मिल सकता है सिनेमन, ड्राइड फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड ओक नोट्स भी। पैलेट में इमेंसली रिच एंड क्रीमी माउथ कोटिंग फॉलोड बाय एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टॉफी, क्रिसमस पुडिंग एंड बॉन्ड सिनेमन का भी नोट आपको मिल सकता है पैलेट में। फिनिश इज लिंगरिंग एंड सेटिस्फाइंग विद ड्राइड फ्रूट्स एंड ओकी स्वीटनेस। इट्स ट्रूली अ लग्जरी विस्की। द
तो आज का काउंटडाउन आपको कैसा लगा, आज का इन्फॉर्मेशन आपको जान के कैसा लगा, इनमें से कौन सा विस्की आप खुद ट्राई करना चाहेंगे इतना पैसा खर्च करके, मुझे लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।